दोस्तों टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा और बताऊंगा कि टिकटॉक इंडिया में बैन क्यों हुआ और क्या दोबारा टिकटॉक आ सकता है इंडिया में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों पॉइंट नंबर एक, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि टिकटॉक इंडिया में बैन क्यों हुआ। टिकटॉक इंडिया में बैन इसलिए हुआ क्योंकि टिकटॉक के नाम पर ही मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। वहाँ पे बताया गया कि टिकटॉक लोगों के दिमाग पे गलत असर कर रहा है, लोग इसके पीछे दीप पागल हुए जा रहे हैं और बहुत से इसके मरीज भी सामने आए। मद्रास हाई कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो उसे भी लगा कि हाँ ये बैन होना चाहिए, इसलिए टिकटॉक को बैन करने के लिए सबसे पहली अपील मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील पहुंची तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई के बेंच में बैठी हुई सारी पीठ ने ये भी फैसला लिया कि टिकटॉक बंद होना चाहिए। पॉइंट नंबर दो ये है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है, उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से एप्पल स्टोर से वहाँ से दोनों से इस ऐप को हटाने के लिए गूगल को नोटिस भेज दिया था। गूगल को नोटिस भेजते ही गूगल ने प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से दोनों से हट गया टिकटॉक। आप अब सर्च करेंगे गूगल पर तो भी आपको नहीं मिलेगा, और आपको गूगल ऐप पर अगर सर्च करते हैं टिकटॉक APK फाइल तो वहाँ से आप APK फाइल डाउनलोड टिकटॉक की कर सकते हैं। पॉइंट नंबर तीन, आप बताएं क्या टिकटॉक पे कुछ ऐसी वीडियो जो आपने भी देखी होंगी शायद वो नहीं होनी चाहिए थी टिकटॉक पे। आपको भी पता होगा कि टिकटॉक पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एक बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता है। 30 सेकंड और 60 सेकंड में आपका टाइम एक घंटे ऐसे बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता है जब आप टिकटॉक ओपन करते थे। लेकिन टिकटॉक बैन हो चुका है, टिकटॉक पर ऐसी वीडियो डाली गई जिनकी वजह से टिकटॉक को बैन करना पड़ा इंडिया में। पॉइंट नंबर चार, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। जी हाँ, ये मैं हाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संभावनाएं हैं कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाए। टिकटॉक अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, टिकटॉक एज का कोई प्रूफ डाल सकता है कि आप इतने एज के प्रूफ पे आप इस टिकटॉक पर आ सकते हैं, और यहाँ पर मेरे ही कंटेंट पे आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, ना कि आप अपना कोई सॉन्ग अपलोड कर सकते हैं। आप अपना अगर सॉन्ग अपलोड भी करते हैं तो वो अप्रूवल लेना पड़ेगा टिकटॉक से। पॉइंट नंबर पाँच, टिकटॉक को अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी और टिकटॉक को थोड़ा तेज़ी से काम करना पड़ेगा। अगर इंडिया में टिकटॉक को फेमस होना है दोबारा से, टिकटॉक को एक अच्छे से सेटिंग करनी पड़ेगी और वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट एक एक अप्रूव करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप YouTube पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो YouTube पहले सारी वीडियो को अप्रूव करता है। जब YouTube को लगता है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लोगों को दिक्कत हो, तो फिर यूट्यूब पब्लिश करने के लिए आपसे बोलता है। अगर आपके वीडियो में कभी भी यूट्यूब पर डालते हैं अगर आप वीडियो और आपके वीडियो में कभी भी दिक्कत होती है तो यूट्यूब 95% जैसे ही आपका प्रोसेसिंग होता है उसके बाद यूट्यूब आपके वीडियो को रीड करने लगता है, रीड करने के बाद आपके वीडियो को वो पब्लिश करता है। उसी तरीके से टिकटॉक में भी हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाए कि टिकटॉक में भी 95% अपलोडिंग के बाद 5% में प्रोसेस करने के टाइम पे आपकी वीडियो को रीड कर ले और रीड करने के बाद में वो सारी डिटेल बताए कि आपका वीडियो सही है लोगों के लिए कि नहीं सही है। तो ये पांच पॉइंट थे, मुझे लगा आपको बताने चाहिए टिकटॉक इंडिया में क्यों बैन हुआ है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी अब टिकटॉक नहीं मिलेगा। अगर टिकटॉक की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टिक करने के बाद उसे काला कर देना और साथ ही उसके बेल आइकन प्रेस करना है। बेल आइकन जो बनी होती है उस पर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपके कोई है सवाल तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू।